प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से बद्रीनाथ और केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय से इस बैठक में वर्चुअल प्रतिभाग किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में केदारनाथ और बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि श्री केदारनाथ के निकटवर्ती स्थानों को भी आध्यात्मिक पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने होंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए आसपास के क्षेत्र के डेवलपमेंट की दिशा में प्रयास करने होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि रामबाड़ा और केदारनाथ के बीच श्रद्धालुओं के ठहरने और कौन सी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं, इस ओर भी ध्यान दिया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बासुकीताल, गरुड़चट्टी, लिंचोली और उनके आसपास क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक दृष्टि से क्या किया जा सकता है, इसका पूरा प्लान तैयार किया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री बद्रीनाथ के साथ ही आसपास के क्षेत्रों को मॉडल के रूप में विकसित करने के लिए भी योजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि माणा गांव और उसके आसपास के क्षेत्रों को रूरल टूरिज्म के लिए विकसित करने की दिशा में भी ध्यान दिया जाए। इनमें स्थानीय संस्कृति और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर इकोनॉमी का अच्छा मॉडल बनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केदारनाथ और बद्रीनाथ में श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत सेवकों और डॉक्टरों से भी अधिक से अधिक सहयोग लिया जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी व्यवस्थाओं के साथ जन सहयोग भी जरूरी है। वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ में पुनर्निर्माण के कार्य तेजी से चल रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के दृष्टिगत रात दिन कार्य प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2023 तक सभी कार्यों को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस साल अभी तक 35 लाख से अधिक पंजीकृत श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आ चुके हैं। आज केदारनाथ जी के साथ साथ बद्रीनाथ का जो मास्टर प्लान पर काम हो रहा है, उस मास्टर प्लान पर भी चर्चा हुई और साथ में जो कल्चर डिपार्टमेंट है उसने भी बहुत रास्तों से लेकर शंकराचार्य जी की जो समाधि है उस पर बहुत सारे काम कल्चर डिपार्टमेंट के पुरातत्व विभाग के अनुसार होने हैं, उन सभी पर चर्चा हुई और हम लोगों ने यहाँ से, क्योंकि जो समय सीमा तय की गई है उसमें तेजी से काम हो रहा है। इस बार जहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के कारण से जो काम करने में एक चुनौती बन गई थी कि ज्यादा भीड़ होने के कारण से कार्य प्रभावित न हो, लेकिन इस बार कार्य प्रभावित नहीं हुआ है। इस बार गत वर्षों की तुलना में 10 गुना ज्यादा काम हुआ है और लगातार बर्फ के समय में भी काम कर रहे हैं। और जो इसका हम लोगों ने लक्ष्य लिया है कि दिसंबर 2023 तक संपूर्ण कार्य पूरे कर लिए जाए, हम उस दिशा में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच मुख्य सचिव डॉ एस संधु ने श्री केदारनाथ और श्री बद्रीनाथ के पुनर्निर्माण कार्यों का प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने कहा कि श्री केदारनाथ में प्रथम चरण के पुनर्निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि मास्टर प्लान के अनुसार सभी कार्य अगले वर्ष दिसंबर तक पूर्ण किए जाएंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि श्री बद्रीनाथ में भी मास्टर प्लान के अनुसार तेजी से कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि शीश नेत्र लेक और बद्रीश लेक का कार्य आगामी 3 माह में पूर्ण हो जाएगा, जबकि रिवर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का कार्य अगले वर्ष जून तक पूर्ण होगा।